फोक्स, इज जेनिफर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। यस, तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो कंटिन्यूटी है एपिसोड ऑफ वार्म वेदर्स या हॉट वेदर्स में जो हम कपड़े पहनते हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। तो मैंने स्पेशली गोवा करके लिखा हुआ है ताकि वो गोवा का एपिसोड कंटिन्यू हो ऐसा लग रहा है। बट इट्स लाइक जहाँ जिस कंट्री में भी या जिस स्टेट में भी या जहाँ पर भी आप अगर हो, इस प्लेस में भी आप हॉलीडे मनाने जा रहे हो किसी आइलैंड पे यहाँ पर, तो आप किस तरीके के कपड़े वहाँ पर पहने। और अगर वो हॉट सीजन है तो बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो इट्स वेरी आपकी हॉलीडे फिर वो पूरी वेस्ट हो जाती है, अच्छा फील नहीं होता, तो हॉलीडे का क्या मतलब है। तो इसीलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आई थिंक इट्स अ फोर्थ एपिसोड ऑन द क्लोथ्स। फर्स्ट एपिसोड मैंने आपको दिखाया टी शर्ट्स जो कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट कलर में पहन सकते हैं। सेकेंड मैंने आपको दिखाया शर्ट्स जो आप पहन सकते हैं वार्म वेदर्स में या हॉट वेदर्स में। थर्ड मैंने आपको दिखाया आई गेस कि किस तरीके के आप प्रिंट्स पहन सकते हैं हॉट वेदर्स में। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके के आप क्रोशिया जो एक तरीके का पैटर्न होता है आप उसको कैसे पहन सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं हॉट वेदर्स में जो कि गोवा में बहुत ज़्यादा पहनते हैं लोग। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड। ओके, अगर आप बोल्ड क्रोशिया यूज़ करना चाहते हैं जो कि आप जिस तरीके के स्ट्रिंग्स पे होता है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा होता है, तो देखिए इस तरीके का कोई क्रोशिया होगा आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और आप गोवा में ये आप बहुत ही ज़्यादा पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कूली इंजॉय कर सकते हो, बहुत ही एयरी होता है। मैं आपको ये क्रोशिया वर्क इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये बहुत ही एयरी और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है हॉट समर्स में, तो आप इसको ज़रूर पहनिए और इन्जॉय कीजिए। सेकेंड है, अगर आप थोड़ा उसमें कलर ऐड करना चाहते हैं या आप क्रोशिया ले लीजिए, चिकनकारी वर्क ले लीजिए, उसमें एयरी टाइप का फील होता है, तो इस तरीके का आप कलर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर चाहे आप कोई ऊपर श्रग वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको उसको मतलब यूज करना है। तो सेकेंड जो हमारा है वो इस तरीके का ब्राउनिश कलर में है, तो ये क्रोशिया वर्क भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप देखिए इसका वर्क कितना प्यारा है यार, आप देखिए कितना एरी है। तो गर्मियों में ये पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद ऐसे बहुत पहनती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं गोवा में रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनती हूँ जिसमें एयर पास ऑन हो। तो नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट, अगेन अगर आप डार्क कलर्स के शौक है, आपको वाइट और ग्रे और ये सब नहीं पहनना है, तो भी आप इस तरीके के क्रोशिया वर्क पहन सकते हैं जो आपको थोड़ा एयरी एंड नाइस फील देता है। प्लस ये आप कोई भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आपको पिस्ता कलर बहुत पसंद है तो प्लेन पिस्ता के ऊपर भी आप हैंड में, ये देखिए कितना अच्छा इसका हैंड है, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड प्लस इसका इसमें जो है ये वर्क किया हुआ है, क्रोशिया वर्क किया हुआ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस पिस्ता कलर। और आप मुझे किसी एपिसोड में इसको पहने हुए भी ज़रूर देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो है अगेन ग्रे कलर, मेरा अगेन फेवरेट, एरी नाइस कॉटन फैब्रिक फुल स्लीव ताकि आपके हाथ टैन ना हो। यूज़ दिस काइंड ऑफ फैब्रिक इन हॉट वेदर्स और ताकि आपको सन टैन ना हो, यूवी रेज ना हो, बहुत अच्छे अच्छे है आपके इस तरीके से। एंड लास्ट आई शो यू वन शर्ट जो आपको लगेगा कि अरे शर्ट हम कैसे पहन सकते हैं, तो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको शर्ट्स भी दिखाए थे जो कि आप इस तरीके के हॉट वेदर में पहन सकते हैं। बट ये शर्ट में है, इसमें ये फील है, अगेन सी दिस वर्क, दिस इज अगेन चिकनकारी वर्क कह सकते हैं या आप थोड़ा सा उसी टाइप का है और एरी है, तो आपको इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। प्लस इसमें प्रिंट भी है जो कि सी वेदर में या जहाँ पर थोड़ा वार्म ह्यूमिडिटी टाइप की फीलिंग होती है, आप इसमें ये पहन सकते हो और उसको ओपन रख सकते हो और अंदर जो है क्रोशिया वाली कोई भी स्पैगेटी पहन सकते हो, तो इट विल लुक फैब। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस तरीके के शर्ट, इसमें लड़का लड़की या जो भी, अगर इवन मैंने मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि इवन लड़के लोग काफ़ी मेरा शो देखते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो गाइज है गर्ल्स है जो भी है आप इस तरीके के शर्ट्स ट्राई कर सकते हो इवन हॉट वेदर पे। ओके, जो मैंने पहना है वो भी समरी लुक है, ये अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देखा होगा तो इस तरीके के जो कूल प्रिंट्स पहन सकते हैं समर में। और आप इस तरीके के हैंडमेड नेकलेसेस यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी सेक्शन में मैं ज़रूर आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके का है। प्लस ये भी हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड ईयरिंग है, कितना खूबसूरत कितना ब्यूटीफुल, और ये बिल्कुल इससे मैच हो रहा है एंड इट्स लुक्स वेरी नाइस वेरी परफेक्ट।
तो इस तरीके से आप नए नए फैशन को डिस्कवर कीजिए एंड मेरा शो देखते रहिए, लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड हमारा अगेन इसी टॉपिक के ऊपर होगा, क्योंकि बैक टू बैक एपिसोड में इतने लंबे लंबे एपिसोड्स नहीं बना सकती हूँ, तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी थक जाऊँगी, इसीलिए मैं इसको अगेन बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ ताकि आप इसको आराम से देख सकें और हर एपिसोड का अच्छे से इंजॉय कर सकें. तो डोंट जस्ट अवॉइड दिस डिस्टर्बेंस बिकॉज आई स्टे इन अ सिटी, सो वहाँ पर हॉन्किंग एंड ये बहुत ज़्यादा होता है. तो दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन, बाय.